सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अवर निरीक्षक श्री संतोष कुमार गुप्ता, महिला थाना प्रभारी श्रीमती तिग्गा मैडम, चक्रधरपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक सुरेंद्र, विश्वनाथ, विवेक, बजरंग, विपिन, अंजवारुल हक, बुधबाऊ राव, लक्ष्मण तिवारी, महिला थाना के कर्मी, सहायक पुलिस। आज जो हम यहाँ पे इस कार्यक्रम, तो जी यहाँ पर काफी लंबा समय अपने बिताए हैं और बीच बीच में कहीं कहीं पे इनका ट्रांसफर होता रहा, चाहे वो रांची हो या अन्य जगह पे, और फिर कुछ न कुछ समय के बाद इस जगह से पता नहीं क्या चुंबक की तरह इन्हें खींचता रहा और ये यहाँ पे अपना सेवा देते रहे। और इन्हें काफी सारी जानकारी है, थाना कब कैसे इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में आया, उस समय कौन थाना प्रभारी थे, किस प्रकार की समस्या आई, और इसका फायदा लगातार 10-15 सालों से जो थाना प्रभारी यहाँ पर आए हैं उनको इन्फॉर्मेशन के रूप में कि पहले क्या होता था, क्या परंपरा चली आ रही है, कैसे क्या प्रोग्राम होता है, तो इसमें हमसे पहले जो भी थाना प्रभारी थे उनको और हमको भी काफी सहायता मिली। मेरा यहाँ पे जो पदस्थापन हुआ था काफी विषम परिस्थितियों में हुआ था, उस समय भी छोटी छोटी चीजें ये देते रहे और आज जो हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो हमसे छोटी सी एक दो कमियां हो गई थी उसको निराकरण करते हुए, तो थोड़ा सा ये प्रोग्राम विलंब हुआ। हम बस थोड़ा सा कहेंगे 10-15 मिनट या आधा घंटा, क्योंकि यह प्रोग्राम छोटा है और एक्सटेंडेड भी है, यह रात 9 बजे 9:15 बजे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो महतो जी के साथी रहे हैं और जो इनके साथ और काफी समय से काम किए हैं वो अगर 2-4 लाइन अपना जो अच्छे समय इनके साथ गुजरा है शेयर करना चाहेंगे तो हम उन सभी का स्वागत करेंगे। वो सभी 2-4 लाइन में अपना जो इनके साथ कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में जो अच्छे समय बिताए हैं, कठिन समय बिताए हैं, उसके बारे में शेयर कर सकते हैं। मैं आप सभी में से बारी बारी से स्वागत करूंगा कि आप अपना 2 शब्द कह के इस विदाई की बेला को, दूसरी पाली की बेला को हम लोग सुखद बनाने का प्रयास करें। तो आप में से कोई महतो जी जो होते हैं बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारे मंदिर में भी आते रहते हैं, देखते रहते हैं और उनसे बहुत प्रेम से चगधरपुर के सब निवासी खुश हैं। आज चले जा रहे तो रिटायर्ड होने से उनके दुख आए, आज अचानक हमको खबर मिला उनके पत्नी भी आए थे पूजा करने के लिए और वो भी उदास कर चले गए, तो हम जान गए कुछ अवश्य है। उसके बाद हमारे मुंशी जी आके बोले कि उनके आज विदय समारोह है, आपको बुलाया साहब अब रहिएगा, तो हम बोले ठीक है आएंगे, उसके लिए बहुत खुशी बात है और उनके परिवार को अच्छा भगवान रखे और सबको अच्छे रखे, यही हमारे निवेदन कर और हमारे कर्तव्य ये को वाणी को विराम दे रहे। आदरणीय सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय एवं थाना प्रभारी महोदय, उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी एवं मीडियागण, आप सभी को हार्दिक स्वागत। आज हम वायरलेस बाबू के नाम से प्रचलित थाना में मकरू महतो के विदाई समारोह में उपस्थित हुए। बहुत खुशी की बात है कि आज सब साथ में हैं, बट कल तक रहेंगे, बट सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
बहुत खुशी की बात है। आने वाले पारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय, साथ थाना प्रभारी महोदय और अन्य साथियों, भाई बंधुओं, सभी को जोहार। आज हमारे चक्रधरपुर थाना के वालेस बाबू का विदाई समारोह है और विदाई समारोह में हम यही कहना चाहेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद आप अपना परिवार के साथ स्वस्थ जीवन बिताइए और आप भी स्वस्थ रहिए। इस वाणी के साथ मैं अपना कथन को विराम देता हूँ। जय हिंद। आदरणीय सहायक पुलिस अधीक्षक सहानुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर महोदय, थाना प्रभारी महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी, आज हम लोग जैसे पता है कि वायरलेस बाबू का विदाई समारोह है। हम लोग के करीब यहाँ आए हुए 2.5 साल हो गया। उस समय हम लोग के लापता, ये सब कुछ पता नहीं था कैसे किसको वायरलेस करना है, तो इन्हीं से सीखे हैं और इनके आगे आने वाला हमारा समय में, मतलब दूसरे जो अभी रिटायरमेंट के बाद, उसमें आराम अपना स्वस्थ रहें, यही हम लोग का कामना है। धन्यवाद। आदरणीय सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर, थाना प्रभारी महोदय, थाना प्रभारी चक्रधरपुर, महिला थाना प्रभारी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों, वायरलेस बाबू के विदाई समारोह में उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। वायरलेस बाबू के नाम से प्रसिद्ध चक्रधरपुर थाना और वायरलेस ऑपरेटर में पदस्थापित हम सभी वायरलेस बाबू के नाम से जानते हैं। इनके काम से कभी किसी को तकलीफ नहीं हुआ, ये अपने काम को बाखूबी निभाते थे। कभी भी किसी तरह का वायरलेस से संबंधित सुझाव निर्देश हमेशा देते रहे, मार्गदर्शित करते रहे। ऐसे विदाई समारोह में, विदाई समारोह से कहीं ना कहीं हमारे थाना में इसके स्थान को तो कमी महसूस होगी ही, लेकिन किसी न किसी को तो इसका स्थान तो लेना ही होगा। हम चक्रधरपुर थाना सभी स्टाफ की ओर से इनके स्वस्थ की कामना करते हुए धन्यवाद। यहाँ पर थोड़ा सा हम एक मजेदार वाक्य बताना चाहेंगे। आज से करीब 1-1.5 महीने पहले किसी दिन मुझे याद आया तो हमने पूछना चाहा कि वायरलेस बाबू का नाम क्या है। 1-1.5 महीना पहले किसी किसी का कर्तव्य कार्य इतना बढ़िया होता है कि नाम पूछने की जरूरत नहीं होती है। आज के फेयरवेल
कार्यक्रम में मंचा सिंह सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय, थाना प्रभारी चक्रधरपुर, महिला थाना प्रभारी और यहाँ पर उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी एवं सभी कर्मियों और मीडिया बंदियों को मेरी ओर से जोहार। मैं सबसे पहले वायरलेस ऑपरेटर सानी मकरू महतो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस विभाग में सेवानिवृत्त सही सलामत कर पाना एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और मैं उनके लिए वो इसके साथ ही नेक्स्ट पारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आगे का जीवन सही सलामत बढ़ती रहे। और यहां पर जब भी उनके साथ किसी तरह का हम लोग का जरूरत पड़ा, उनका पूरा सहयोग रहा है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं हुई और सभी लोग उनके साथ एक मिलनसार विनम्रता और ईमानदारी के साथ पूरा सहयोग रहा है उनका। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।